हे फ्रेंड, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जाने के लिए फ्रेंड जल्दी से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली लव अनएक्सपेक्टेड। एंड नहीं पता फिर ऑलरेडी मैंने 1 to 16 एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए और वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड 17 की शुरुआत में देखने को मिलेगा, यहाँ पे सी काफ़ी टेंशन में हो रही होती है फ्रेंड मैं टाइगर को लेकर। वो सोच रही होती है, बर्तन धो रही होती है और वहाँ से नल से पानी गिरा जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गहराई में डूबी होती है कि क्या करे नहीं करे। ऊपर से फ्रेंड उसे वो भी परेशान कर रहा था कि तुम जीव का ला के सारा चीज़ दो, वो क्या करता नहीं करता, ये सारी चीज़ सोच रही होती। तभी सडनली वहाँ पर आवाज़ आती है, तो ये दौड़ के जाती है सी कि जू कहाँ हो तुम, क्या हो तुम्हें। और जैसे ही जाती है फिर बाथरूम में घुस जाती है और यहाँ पे जू फ्रेंड देखता है उसे बहुत ही गौर से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मुझे आवाज़ लगी कि कुछ तुम्हारे साथ खतरा हो रहा है। तो बोलता है तुम्हें आवाज़ लगी, जैसे फिर दौड़ के आने वाली होती है उसकी चप्पल स्लिप करती है और जाके सीधा जू के पास गिर जाती है और उसके बॉडी को देखने लगती है फ्रेंड। और जैसे ही वो देखती है जू को, जू एकदम साइलेंट मोड में चला जाता है, ऐसा कि जू ने भी उसे देखा ही नहीं फ्रेंड। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर काफ़ी खुश हो रही होती है सी। उसके बाद सी खोज रही होती है यहाँ पर डेंजर है, तो बोलती है कि यहाँ पर तो कहीं पर नहीं है। तो जू बोलता है क्या तुमने स्क्रीम लिया है मेरे लिए? तो बोलती है यहाँ पे सी कि ये मैंने खरीदा है मार्केट से, ठीक है ना, मैंने कोई लिया भी नहीं है, इसलिए मुझे गलत मत समझना। और फ्रेंड वहाँ पे जू उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, बोलता है कि ओ तुमने इसे खरीदा है। तो बोलती है सी हाँ मैंने खरीदा है। और वो इस तरीके से देख रहा होता है फ्रेंड, उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है, शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पे सी जा रही होती है, उसका शूलेस खुला रहता है, बस उसके एक शूज दूसरे पैर से दबता है फ्रेंड। और यहाँ पे जैसे ही गिरने वाली होती है तो यहाँ पे जू बचा लेता है और बेचारा यहाँ पे जू उसका शूलेस बांध रहा होता है, उसके लिए बैठता है फ्रेंड। तभी ये देख रही होती है सी, बहुत उसे अजीब फील हो रहा होता है कि ये मुझसे इतना लव करता है, लव तो करता ही फ्रेंड, साथ में उसकी इतनी केयर करता है, उसका शूलेस बांध रहा होता है। और वहाँ पर फ्रेंड कोई इंसान उसकी पिक क्लिक कर रही होती है, अब वो कौन है फ्रेंड ये तो हम लोगों को आगे पता चलेगी। तो जू बोलता है हाँ अब ठीक है, फिर वो उसका हाथ पकड़ता, बोलता है चलो अब यहाँ से। सडनली यहाँ पे फ्रेंड बोलती है सी ओ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बस मैं अभी आई मेडिसिन लेके। अब वो दौड़ के भाग जाती है। तो जू बोलता है जब उसके पेट में पेन हुआ तो मेरे स्टोमच में तो कुछ हो ही नहीं रहा। और फिर वो झूठ बोल के भागी थी वहाँ से। अब वो जाती बोलती है मुझे कोल्ड मिल्क चाहिए, तो बोलता है कि वहाँ से जाके ले लो। तो बोलती है यहाँ है क्या? तो बोलता है वहाँ का आदमी कि नहीं यहाँ नहीं है। तो बोलती है ये है वो क्या है? तो बोलता है वो आदमी कि ये तो किसी ने खरीद लिया है। तो बोलती है क्या खरीद लिया, कोई बात नहीं मैं पेट कर लूँगी। वो जल्दी से लेती है और फिर वहीं पर उसे खोल के पी रही होती है। और यहाँ पर वो इंसान मुँह देख रहा होता है और यहाँ पर बैठा होता है, उसका वेट कर रहा होता है कि इतना टाइम हो गया बट अभी तक वो आई नहीं। सडनली फ्रेंड उसके स्टोमच बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बोलता है कि ये क्या हो रहा मेरे साथ, अभी तो मैं ठीक था अब क्या हुआ मुझे। तभी वहाँ पर आती है सी, बोलती है क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना? तो बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, ज़्यादा मेरे स्टोमच में पेन हो रहा है। तो बोलती है सी जल्दी चलो हॉस्पिटल लेके, इमरजेंसी है। वो उसे लेके जा रही होती है तो यहाँ पे जू बोलता है तुमने क्या किया है फिर से, तुमने कुछ तो गलत किया। तो बोलती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फिर डॉक्टर के पास आती है, बोलती है कि हम दोनों बहुत बहुत ज़्यादा बीमार, तो प्लीज़ हम दोनों को ट्रीटमेंट करो। तो यहाँ पे डॉक्टर बेचारी कंफ्यूज हो जाती है, पहले तो बोलती है कि तुम लोग डिसाइड कर लो कि सबसे ज़्यादा सीख कौन है, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को एडमिट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड दोनों मना कर रहे थे एक दूसरे को। पहले तो बोलते कि हम दोनों बीमार हैं, फिर दोनों लोग आपस में लड़ते कि नहीं मैं एडमिट यहाँ नहीं होऊंगा, सी बोलते मैं यहाँ नहीं होऊंगी एडमिट। तो डॉक्टर बोलती है दोनों यहीं एडमिट हो जाओ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में पेशेंट को देखकर। यहाँ पे वेट कर रहा होता है जू, लेटा होता है अपने बेड पे, देखता है कि सी है कि नहीं है। जैसे ही हटाता फिर पर्दा, सी वहाँ नहीं होती, गायब होती है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि सी कहाँ चली गई, उसके स्टोमच में इतना पेन था। तो वहाँ पे आती है सी, तो बोलता है तुम ठीक तो हो, क्या हुआ तुम्हें? तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, वो तो बस मैं मेडिसिन लेने गई थी, डॉक्टर ने मुझे बुलाया था कुछ मेडिसिन देने के लिए। तो बोलता है जू थैंक गॉड मुझे तो लगा पता नहीं क्या हो गया। तो बोलती है नहीं इतना टेंशन मत हो तुम ठीक हो ना? तो जू बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा फ्रेंड यहाँ पे दोनों लोगों को इंजेक्शन लग रहा होता है, यहाँ पे जू बैठा होता है और यहाँ सी नहीं देख पाती इंजेक्शन को, वो इधर मोड़ लेती है अपना। तो बोलता है यहाँ पे जू सब ठीक है कुछ नहीं होगा। तो जू अपने हाथ को लेकर उसके आँखों में रख देता और यहाँ पे उसे इंजेक्शन लग जाता है। उसके बाद आती है पारी फ्रेंड सी, और सी काफ़ी डर रही होती है, वो बैठती है। तो बोलता है जू नर्स को कि प्लीज़ थोड़ा स्लो दीजिएगा ठीक है ना? तो यहाँ पे बोलती है
सी ओ इतना सारा प्यार मेरे लिए कि तुम मेरे लिए उसे बोल रहे हो। यहाँ पे जो बोलता ओफो अभी भी तुम्हें बोलना ज़रूरी है, और फिर वो उसका हाथ कस के पकड़ लेती है। तो बोलती है क्या पड़ गया इंजेक्शन, तो बोलता है जू अभी नहीं अभी नहीं अभी तो लिया जा रहा अभी नहीं हुआ। उसके वो उसे बहुत कस के पकड़ लेती है, बोलती है क्या हुआ अब तो हो गया होगा ना, तो जू बोलता अभी नहीं। तो जू सोचता है फ्रेंड कि इंजेक्शन तो उसे पड़ा, पेन तो होगा नहीं उसे, होगा तो फ्रेंड जू ही को, बोले एक नहीं दो दो मुझे इंजेक्शन ले रहा पड़ रहा है क्या करूँ मैं। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है फ्रेंड सी, इंजेक्शन लेते काफ़ी कस के चिल्लाती है। तो बोलता है जू हाँ हो गया। उसके बाद उसे बोलता है एक बात बताओ इंजेक्शन तुम्हें पड़ा था पेन किसे हुआ। यहाँ पे सी बोलती है ओ वो तो बस मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंजेक्शन का दर्द होगा तो बस मैं चिल्ला दी। फिर फ्रेंड वहाँ पे वो सीन गर्ट होती है, नेक्स्ट सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे वो जो होता है वो बोलता है किसी को फ़ोन करो अपने कलीग को और उसको बोलो कि यहाँ आए मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे उसका कलीग फ्रेंड वही होता है जो छुप के फ़ोटो ले रहा होता है दोनों का। तो बोलता है वहाँ पे उसका कलीग हम सुबह में इन दोनों को साथ में देखा था और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जा रहे हैं बॉस। तो बोलता है कि यहाँ पे सी ने तो मुझे बताया था कि वो बीमार है, तो उससे पता करो क्या जू बीमार है या नहीं है या फिर सी मुझसे झूठ बोली। तो वहाँ पे वो फ़ोटो दिखाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखने को मिलेगा सी काफ़ी परेशान होती है। वो आ जाती है विशेष के वाटर के पास, वो अपना सिक्का उछालती है, फिर वो गिरता है और बोलती है प्लीज़ मेरी बस एक विश है पूरी कर दो, बस मैं जिस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ वो मुझसे कभी दूर ना हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी सुन लो रिक्वेस्ट। फिर वो विश करती है। फिर उधर से फिर उसके पास कॉल आता है उसके फ्रेंड का, तो वहाँ पे बोलती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। तो बोलती है उसकी फ्रेंड कहाँ हो, तो सी बोलती है मैं विशिंग वाटर के पास हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है तुम वहीं आओ जहाँ हम लोग पहले मिलते थे। इधर से वो जा रही होती है फ्रेंड और दूसरी तरफ से जू आ रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत परेशान होता है अपने रिलेशनशिप को लेके फ्रेंड। और यहाँ पे उसके ऑफिस के बारे में भी बहुत कुछ गलत हो रहा होता है। और यहाँ पे आती है वो बात करती है सी कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे बोलती है उसकी फ्रेंड कि तुम छोड़ दो ना जू को, क्यों तुम उसे गर्लफ्रेंड बन गई हो, क्या ज़रूरत है, तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है, छोड़ दो एक ही दिन का प्यार है ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है ना, सारे इमोशन भूल जाओ। तो यहाँ पे सी बोलती है मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, अब भूलना तो दूर की बात है, बहुत ज़्यादा वो सैड हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है तो सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करो, या तो तुम उसे हकीकत बताओ कि यार सच है वू के बारे में, या तो फिर तुम अपना समझो। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ काफ़ी टेंशन में हो रहा होता है, जू बैठा होता है और सी के बारे में सोच रहा होता है किस तरीके से सी उसे स्माइल करवा रही होती है। तभी सडनली वहाँ पे वो अपने हाथों को फ्रेंड चिक पे लेकर जाके स्माइल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा लव कर रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा सी भी लव करती थी, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है फ्रेंड। और यहाँ पे फिर देखने को मिलेगा आवाज़ दे रही होती है सी कि जू तुम कहाँ हो, और यहाँ पे फ्रेंड जू नहीं होता है। तो जू का जो फाइल्स होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो जल्दी जल्दी सी पिक्स क्लिक कर लेती है। तभी सडनली वहाँ पे जू आता है, इसका तो डर से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होता है। और जू बोलता है कि क्या हुआ तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाई थी। वहाँ पे वो उसे अपने गोद में बैठा लेता है और वो बहुत ही प्यार से उसके फोरहेड पे किस करता है। यहाँ पे सी देख रही होती है, तो बोलता है कि सी अगर तुम्हारी कोई विश है तो तुम बोलो मैं उसे पूरा करूँगा। तो यहाँ पे सी बोलती है सडनली तुम्हें क्या हो गया, आज अचानक ऐसे क्यों बात कर रहे हो। बोलता है क्योंकि तुम विशिंग वाटर के पास नहीं ना जा पाई, तुम बोल रही थी ना जिसके वजह से मैं तुम्हारी विशेष पूरी करूँगा। वो उसे बहुत ही गौर से देख रही होती है। फिर वहाँ पे ये एपिसोड एंड होती है। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।